आता है आपको ओपन करना? अच्छा अच्छा ये मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी ना बहुत ही टफ जा रही है। कल रात से ही कुछ ठीक फील नहीं कर रही थी, सुबह से ही मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिट हो रही थी। मुझे हाइपर एसिडिटी है तो कभी कभी ना ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है और कुछ भी खाओ ना तो वॉमिट होता है। तो हालत ख़राब थी, पर दिन होते होते जब कबीर का पार्सल आया तो उसकी हैप्पीनेस देख के मेरा मूड भी थोड़ा ठीक हो गया था। तो सोचा कि व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ क्योंकि खुद एक मैंने मोटो बनाया हुआ है डेली व्लॉग या वीडियो का। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तबीयत मेरी अभी थोड़ा बेटर है और कबीर तो बहुत ज़्यादा हैप्पी है क्योंकि उसके पार्सल आए हैं। इसमें क्या है? दिखाओ खोल के। ऐसे नहीं मुंह से निकलता है, गंदा होता है ना वो। अंदर क्या है तभी तो चेक करना है, क्या है अंदर। ये भी अंशु का ही है, ये भी हमारे कबीर मास्टर का है भाई। कभी तो स्कूल जाता है ना उसको लिए ढेर सारा सामान मंगाया मम्मा ने। दिखाओ ना फिर अंदर क्या। वाओ, आपको आता नहीं बेटा खोलना, मम्मा बता रही है ना आपको। कोई बात नहीं, क्या खुद ही कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बोल रहा, खुद ही ओके बोल देता खुद ही। कोई बात, ओह सॉरी 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 सॉरी। तुमको 100 साल लग रहे हैं बेटा खोलने में। लाओ मम्मा खोल देगी। इसको इतना शौक है ना अनबॉक्सिंग का। अरे वाह, अरे मेरा जूड़ा आ रहा है। देखो पापा को दिखा के आ जाओ, कबीर पापा को दिखा के आ जाओ। पापा देखो नया मेरा नया बिब। वाओ देखो उसका वाओ नया। ये बॉक्स, इसमें ब्लेंडर है, ये मम्मा का है, ये मम्मा का है, ये इसको रहने दो। ब्लेंडर मंगाया ना मम्मा ने, मट्ठा बनाएगी आपके लिए, आप मट्ठा पियोगी। अब इसको भी ओपन। ये देखो भाई इसमें क्या है। बॉक्स में क्या है? उसमें डाल दो, उस स्टील वाले बड़े वाले डाल दो, कुकर में थोड़ी ना खाऊंगी। ब्लेंडर, मम्मा का नया ब्लेंडर। मस्त बनाया यार फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज टेस्टी बना। ओपन नहीं कर दिया, बस हो गया इतना ही, ओपन करते हैं इसको। बनाया दूसरे में पीला ब्रेड में लगा लो। ओके थैंक यू। यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ मम्मी के घर जाने के लिए क्योंकि संदीप को आज कुछ काम था, उन्हें भी कहीं जाना था। तो उन्होंने बोला कि मम्मी के घर ड्रॉप कर देता हूँ, कुछ टाइम वहाँ पे रहो, तबीयत ठीक नहीं है। तो हम लोग निकल पड़े थे मम्मी के घर के लिए। अरे वाह, कहाँ जा रहे हो आज मंकू? आज कहाँ जा रहे हो? काम क्या खा रही है? अच्छे से ऐसे 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 सॉरी, अब नहीं करूंगा, अब नहीं फेंकूंगा।
अंदर घुसा थैंक यू से थैंक यू अंशु मामा को थैंक यू बोलो भाई हाँ भाभी नमस्ते बढ़िया आप कैसे हो भिगा दिया बहुत ज्यादा मैंने बोला था सैंडल पहनो मम्मी सैंडल फेंक दो उसके सॉक्स खोल दे मनीष गीले कर दी कभी शानू इधर हाइट हाँ मैं हाइट इतने चाहिए ये तो अपनी एवरेज हाइट से लंबा ही है इसके स्कूल में भी कितने बच्चों से सब इतने छोटे छोटे है यही है सबसे लंबा एवरेज हाइट से लंबा है अपने मम्मी ने मस्त तैयारी बना दी है यहाँ मैं वही तो कह रही थी मम्मी को दोस्तों ये है मम्मी की क्यारी जिसे मम्मी ने बहुत सारी पुरानी चीज़ों को रीयूज़ करके बनाया है बहुत ही सुंदर लगती है और मेरी तबीयत ना थोड़ी ठीक नहीं फील कर रही थी मैं शाम होते होते तो उसके बाद मैंने आगे कुछ शूट नहीं किया व्लॉग आज का यहीं एंड करती हूँ आई होप आप लोग मेरे जो एफर्ट्स हैं उसे समझेंगे और सपोर्ट करेंगे बहुत मुश्किल हो रहा है सारी चीज़ें साथ में मैनेज करके चलना बट मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रही हूँ आई होप आप लोग भी मेरे एफर्ट्स को पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी तब तक के लिए बाय टेक केयर